हेलो दोस्तों, वेलकम टू धमाका स्टॉक चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन चला जाए। और पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को लगता है कि वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव है तो एक लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों का लाइक मुझे एनर्जी देता है हर रोज अच्छा अच्छा शेयर ढूंढ के उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए। अभी सीधे हम लोग मेन टॉपिक पे आ जाएंगे। आज हम बात करेंगे पीवीआर लिमिटेड के बारे में, ठीक है। एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है। अभी देखिए आपके सामने ये वन डे का चार्ट में खोल के रखो। पहले आप बिना इंडिकेटर वाला चार्ट में देखेंगे कि शेयर का ट्रेंड कैसा है, उसके बाद इंडिकेटर वाला चार्ट में जाएंगे। बिना इंडिकेटर का चार्ट में देखने का फायदा ये है कि हम लोग क्लियर पिक्चर मिल जाए कि अभी ये अप ट्रेंड है कि नहीं, डाउन ट्रेंड है। तो देखिए डे चार्ट में आप लोग क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे लो गया था, उसके बाद ऊपर ही जाना चालू किया, थोड़ा कुछ दिन यहाँ पे कॉन्सोलिडेट हुआ, फिर यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था वो तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद ऊपर ही गया। और पिछले दो दिन थोड़ा सा गिरावट आया है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था इसका, मतलब जब जो अभी इसका सपोर्ट लेवल बन चुका है वो तोड़ नहीं पाया। अभी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा वीकली चार्ट में भी इसको देख लेंगे। ओके, तो एक मिनट वीकली चार्ट ओपन कर लेते हैं हम लोग। वीकली चार्ट में देखिए क्लियरली यहाँ पे गिरा था, उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, फिर थोड़ा सा गिरा, फिर अभी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और वीकली चार्ट में ये अभी आपका इसका जो एक रेजिस्टेंस लेवल है स्ट्रॉन्ग, उस रेंज में ही एक ट्रेड कर रहा है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका मंथली चार्ट भी थोड़ा सा देख लेंगे। मंथली चार्ट में देखिए यहां से शेयर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, बड़ा गिरावट आया, फिर से शेयर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अभी सीधे इंडिकेटर लगा हुआ चार्ट में आ जाएंगे। इंडिकेटर लगा हुआ चार्ट में आने के बाद हम लोग को क्लियर पिक्चर मिल जाएगा कि क्या चल रहा है शेयर में। देखिए कुछ दिन पहले यहाँ पे सुपर टेन ने बाई बोला था, उसके बाद शेयर में हम लोगों को थोड़ा बहुत अच्छा शेयर ऊपर जाते हुए दिखा। लेकिन पिछले ही दिन डेट आपका वन डे चार्ट में पिछले ही दिन सुपर टेन ने फिर से इसको सेल बोला है। अभी RSI भी अबव 60 है, लेकिन नीचे की तरफ आ रहा है, और MACD इसको बाई बोल रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर ये मंडे भी गिरे तो हम लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। 1450 से 60 का जब लेवल आएगा उस लेवल पे अगर हम लोग खरीदेंगे तो अच्छा होगा। लेकिन मंडे अगर इसमें फिर से पॉजिटिव कैंडल देखने को मिलेगा तो हम लोग करंट प्राइस में इसको खरीद लेंगे। ओके, अभी क्या करेंगे हम लोग थोड़ा सा इसका वीकली चार्ट भी देख लेंगे। एक मिनट वीकली चार्ट थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं। वीकली चार्ट में देखिए क्लियरली सुपर टेन वीकली चार्ट में इसी वीक में सुपर टेन ने बाय सिग्नल दिया है। RSI भी अबव 60 है, MACD भी बाय बोल रहा है, और अभी जो प्राइस है ये प्राइस आपका 200 डेज 100 डेज एंड 50 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है। अभी हम लोग क्या करेंगे थोड़ा सा इसका मंथली चार्ट भी देख लेंगे। ओके, तो देखिए मंथली चार्ट में भी क्लियरली ये आपको बाय सिग्नल हम लोगों को देखने को मिला है। MACD भी देखिए ऊपर ही है, बाई बोल रहा है। RSI टच नहीं किया है 60 का लेवल, लेकिन देखिए नीचे की RSI भी आप में नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, और अभी RSI मुझे जो लग रहा है लगभग आपका 56 का लेवल पे है, और बहुत जल्दी RSI आपका 60 का लेवल भी टच कर लेगा। तो अगर ये मंडे मतलब कल अगर इसमें गिरावट आया तो हम लोग 1450 के 60 का लेवल तक वेट करेंगे, उस रेंज में जब आएगा तब खरीदेंगे। और अगर ये कल ही पॉजिटिव कैंडल फॉर्म किया डे चार्ट में, मतलब कल अगर पिछले दिन से ऊपर गया तो हम लोग करंट मार्केट प्राइस में इसको बाई करेंगे, क्योंकि ये चार्ट का जो इस चार्ट का मुझे जो लगता है जो आने वाला लेवल बहुत अच्छा है, चार्ट यहाँ से ऊपर ही जाएगा। और मेरे लिए अगर आप लोग इसी प्राइस में भी ये शेयर खरीदते हैं तो मुझे जो लगता है एक साल के अंदर ये शेयर आप लोगों को 1900 रुपए का देखने को मिलेगा। ओके, फिर भी कुछ भी डिसीजन लेने से पहले आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे एक बार बात कर लीजिए, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूं। मैं ये वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए बनाता हूं, और यहाँ पे जो भी मैं खरीदने के लिए और सेल करने के लिए बोलता हूँ वो मेरा ओपिनियन होता है, मैं किसी को कुछ करने के लिए नहीं बोलता हूँ। धन्यवाद।